पंजाब के धुरी कस्बे में जन्मे श्री मंजीत बावा आज जाने माने चित्रकार हैं। श्री बावा आधुनिक भारतीय चित्रकला के उन चित्रकारों में से हैं जो अपनी मौलिक सूझबूझ, रंग संरचना और शैली के लिए विख्यात हैं। संगीत और नाटक के शौकीन श्री बावा को केंद्रीय ललित कला अकादमी के अलावा अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। देश विदेश में श्री बावा ने अपने चित्रों की अनेक एकल प्रदर्शनियां लगाई हैं। कला समीक्षकों की दृष्टि में श्री बावा आधुनिक भारतीय चित्रकला के एक स्तंभ चित्रकार हैं। बचपन की यादों में से सबसे जो महत्वपूर्ण जो मेरी याददाश्त है उसमें 15 अगस्त 1947 में जब हमें पीतल की तस्तरी मिली 3 शयों का निशान, तो तब हमने पूछा गया किस चीज़ के लिए दी है, तो उन्होंने कहा कि आज भारत आज़ाद हुआ है और उससे पहले जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा सुनते थे वो ख़त्म हो गया। यहाँ तक मैं काफ़ी भ्रमण किया हुआ है सारे देशों में और मैं इसके प्रति बहुत श्योर हूँ कि भारत के चित्रकार कम से कम जापान से लेके तुर्की तक के कलाकारों में से कहीं भी खड़े हो जाएं तो उनका स्थान बहुत ऊंचा स्थान है। मगर सारी दुनिया के संदर्भ में देखें तो हमारा कुछ स्थान अभी बना नहीं है। भारत के कलाकार किसी दुनिया के यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर अपना मकाम बना नहीं पाए, उसके कई कारण हैं। इसको प्रमोट करने वाले भी नहीं हैं, उसके अलावा हमारे पास मॉडर्न आर्ट की हिस्ट्री बहुत कम है। हमारी अपनी जो पुरातन कला है उसके मुकाबला बहुत कम है दुनिया में। जो मॉडर्न आर्ट में अभी हम बहुत छोटे हैं, उम्र कम है और मुश्किल ये है कि भारत के कलाकारों ने आम तौर पर बाहर के कलाकारों की नकल मारने के अलावा बहुत और कम काम किया है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे पॉपुलेशन है बढ़ती गई, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, लोगों का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है, मगर उन सब चीज़ों को देख के सोचे तो उस हिसाब से भारत के कलाकारों ने अपना बहुत बड़ा स्थान बनाया, उन्होंने काफ़ी अपनी जगह बनाई है। जबकि कल्चर के लिए हमारी सरकार के जो फंड हैं वो 0.1% हैं। अगर आज से हम 30-40 साल पहले मैं जाऊँ, 30 साल तक की मेरी बड़ी यादें हैं पेंटर्स के बारे में, तो वहाँ से आज तक भारत के कलाकारों ने बहुत सुंदर काम किया है। और इससे पहले लोगों को मालूम ही नहीं था मॉडर्न आर्ट के बारे में कोई मूवमेंट है, उन्होंने वो जगह भी बनाई है अपनी मेहनत से, इंडिविजुअल कलाकारों ने और कुछ गैलरियों ने मिलकर उनकी जगह बनाई है। और कलाकारों ने बहुत ऐसे कलाकार हैं जैसे हुसैन साहब ने अपनी बहुत सारे भारत के पेंटर के लिए जगह बनाई है, और उसके अलावा कई पेंटर हैं, महिला पेंटर भी हैं, अर्पिता सिंह, उन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। और स्वामीनाथन जी थे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, जिनकी जगह कहीं भी बनाया चाहे दुनिया में हम रखें तो उसका पहचान बनाई जा सकती है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म के नाम पर भी कोई सॉलिड क्रिटिक नहीं है, तो ना क्रिटिसिज्म की एजुकेशन नहीं है, ना ही म्यूजियोलॉजी के ऊपर कोई कोर्स है, कोई एजुकेशन है। तो अगर हम चाहें आज नेशनल गैलरी के लिए कोई अच्छा कोई क्यूरेटर रखें तो उसके लिए कोई आदमी मिलते नहीं हैं।